आ जा तुझे आसमान में ले चलू, चांद को उसकी औकात दिखाने। सो हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप के एडिटिंग। अभी जो वीडियो आप लोगों को मैं दिखाया हूँ, तो आप लोग किस तरीके से ये सब वीडियो बना सकते हो टिकटॉक के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके ऊपर कमेंट किया था और रिक्वेस्ट भी किया था मेरे बहुत सारे फ्रेंड, तो किस तरीके से बना सकते हैं ये सब वीडियो, तो आज मैं आप लोगों को ही सिखाऊंगा। तो आप लोगों को सिर्फ ज़रूरत होगा एक ग्रीन पर्दा, तो ग्रीन पर्दा आप लोगों को कहीं पर भी मार्केट में मिल जाएगा, 50-60 रुपये लेगा, खरीद लेना। तो 50-60 रुपये आप लोगों को खर्चा करना पड़ेगा गाइस, एंड घर पर है अगर है तो उससे भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो आप लोग किस तरीके से इस टाइप का वीडियो मेक कर सकते हो और टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर सकते हो, तो आज मैं आप लोगों को वही दिखाने वाला हूं। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को कर देना एक लाइक एंड कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, एंड अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि किस टाइप से इस टाइप का वीडियो एडिटिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ गाइस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है ना। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप लोगों को पहले कुछ इस टाइप का वीडियो बना लेना होगा ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये वाला वीडियो, तो कुछ इस टाइप का वीडियो आप लोगों को कर लेना होगा, मतलब टिकटॉक के ऊपर वॉइस के साथ कर लेना, उसके बाद डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को, ठीक है ना। और डाउनलोड करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या करना होगा। तो आप लोगों को पहले ज़रूरत होगा एक एप्लीकेशन का जिसका नाम है काइनमास्टर। तो अगर आप लोगों का फ़ोन में काइनमास्टर नहीं है तो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग काइनमास्टर सिंपली डाउनलोड कर सकते हो विदाउट वाटर मार्क। इस पर वाटर मार्क नहीं आएगा, मतलब वो जो लिखा होता है ना मेड बाय, तो वो नहीं आएगा, मेड बाय काइनमास्टर वो नहीं आएगा। तो गाइस आप लोगों को पहले ही क्या करना पड़ेगा, इस प्लस बेल आइकॉन पर क्लिक करना होगा, 16:9 है ले लेना होगा, और उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो इंटरफेस आने के बाद आप लोगों को पहले क्लिक करना पड़ेगा इधर मीडिया पर, ठीक है ना गाइस। तो मीडिया पर क्लिक कर देता हूँ, एंड मीडिया पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक बैकग्राउंड लेना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में ले लेता हूँ, तो उस बैकग्राउंड का लिंक, मतलब यहाँ पर मैं जो भी कुछ यूज़ करूँगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड का मैं एक बार ले लेता हूँ पहले, तो ये वाला बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में ले लिया हूँ, तो बैकग्राउंड को मैं बड़ा कर लेता हूँ। कुछ टिकटॉक का जो वीडियो होता है वो 18 से 20 सेकंड ही होता है। तो कर लेने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, अब इस क्रॉप वाला ऑप्शन में जाना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को बैकग्राउंड का कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लेना होगा, एंड ये जो निशान है इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा एक बार, ठीक है। उसके बाद ऊपर से डन कर देना होगा। तो ये सब हो गया, ये सब हो जाने के बाद आप लोगों को इस लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड मीडिया पर क्लिक कर देना है, एंड आप लोगों को वो टिकटॉक वाला जो वीडियो शूट किया था आप लोगों ने जो ग्रीन स्क्रीन के साथ, वो वाला वीडियो आप यहाँ ले आना है। तो यहाँ पर मैं इस वाले, यहाँ पर है ये वीडियो, तो यहाँ पर मैं सिंपली ले लेता हूँ गाइस ये वीडियो को। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो ले लिया हूँ, तो ऊपर यहाँ पर देख सकते हो जो ग्रीन स्क्रीन नहीं है, वाइट स्क्रीन दिखा रहा है, तो उसको मैं क्रॉप कर लूँगा थोड़ा यहाँ पर पहले। तो क्रॉपिंग पर जाऊँगा, एंड जो वाइट दिखा रहा है उसको मैं क्रॉप कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद ओके कर दूँगा, एंड ओके करने के बाद आप लोगों को फिर से आना है, एंड यहाँ पर आप लोगों को क्रोमा की ऑप्शन मिल जाएगा, क्रोमा की ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड इसको एनेबल कर देना है गाइस। और एनेबल करने पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो मैं बस इसको एकदम सेट कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि जो ग्रीन स्किन है वो नहीं दिखाई दे, यहाँ पर सिर्फ हमारा जो बॉडी और फेस है यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद मैं इसको जूम कर लूँगा, ताकि जो टिकटॉक का जो यहाँ पर वाटरमार्क आ रहा है वो भी ना आए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के कर लूँगा। करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना होगा, वो जो यहाँ पर मून है, मून को, तो ग्रीन स्किन वाला मून यहाँ पर ले आऊँगा मैं, तो लेयर पर क्लिक करूँगा फिर से, और फिर से मीडिया पर क्लिक करूँगा। एंड करने के बाद यहाँ पर मेरा जो मून है इधर है, तो इसको मैं ले लेता हूँ सिंपली, तो ये वाला मून था, ठीक है ना गाइस। तो मून यहाँ पर ले लेने के बाद आप लोगों को सेम एक ही ऑप्शन के ऊपर जाना है, क्रोमा की पर जाना है, एंड एनेबल कर देना है, ठीक है। तो उसको तो ओके कर देना है ऊपर से, एंड इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड थोड़ा सा आप लोगों को क्रॉपिंग कर लेना है, मतलब ऊपर ब्लैक शेडो आ रहा है थोड़ा सा, इसलिए क्रॉपिंग कर लूँगा थोड़ा कुछ इस तरीके से गाइस, एंड ऊपर से कर दूँगा डन। और डन करने के बाद थोड़ा सा मून का छोटा कर दूँगा कुछ इस तरीके से,
ठीक है। एंड मैं यहाँ पर प्ले करके देखता हूँ, सॉरी गाइस, इस लेयर को मतलब मून का जो लेयर है उसको ऊपर ले जाना होगा। तो सेंड टू बैक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक, यहाँ पर देख सकते हो ये जो मून है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ऊपर लिखा होगा सेंड टू बैक, इधर क्लिक कर देना है। देख सकते हो बैक पर चला गया है मून, मतलब बैकग्राउंड में दिखाएगा जो मून है, ठीक है ना गाइस। तो मून को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर और कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और लगा देने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आया और मून को इस तरीके से खींचूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मून को यहाँ पर जब मैं खींच रहा हूँ तो बड़ा नहीं हो रहा है मून, तो यहाँ पर बड़ा वाला इफेक्ट भी डालेंगे। तो जो यहाँ पर ज़्यादा हिस्सा रह गया है तो उसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड इस कार्ड वाले ऑप्शन से यहाँ पर जाऊँगा एंड इस वाले ऑप्शन से ट्रिम कर दूँगा, ठीक है। एंड जो बैकग्राउंड है उसको भी कुछ इस तरीके से ट्रिम कर दूँगा गाइस, ठीक है ना। तो अब मैं डालूँगा वो जब बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगा मून के ऊपर एंड देखूँगा मैं कहाँ पर खींच रहा हूँ मून को। तो वहाँ पर आप लोगों को सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले जाना होगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पर ये ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस जो प्लस का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक कर दिया हूँ। एंड आप लोगों को फिर से यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले जाना होगा, जब तक मैं खींच रहा हूँ मून को तब तक आप लोगों को ले जाना है। एंड खींच हो गया है, ठीक है, देख सकते हो अब मेरा जो फेस का जो लुक है वो सामने की तरफ है। तो अब फिर से आप लोगों को यहाँ पर जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो मैं पहले क्लिक करने के पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इसको जूम कर लेना होगा, ठीक है ना गाइस। मून को जूम करना होगा कुछ इस तरीके से, तब भी मून हमारे पास में आएगा कुछ इस तरीके से। तो इतना जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हो गया है, देख सकते हो। तो आप लोगों को मैं प्ले करके दिखाता हूँ। अब ये आया मैं एंड कुछ इस तरीके से मून को मैं खींचा एंड यहाँ पर देख सकते हो गया है, ठीक है। आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ मैं वॉइस के साथ, मतलब ठीक है, मतलब एक बार आप लोगों को सुना देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लो, तो यहाँ पर मैं प्ले कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से होगा। आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाऊं। तो कुछ इस तरीके से करना होगा आप लोगों को। एंड मैं कुछ यहाँ पर ऊपर क्लिक करूँगा इधर एंड इस वीडियो में क्लिक करूँगा एंड शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, तो एक्सपोर्ट यहाँ पर कर लूँगा। तो आप लोग HD पर करोगे या 3GP या कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर HD ही करता हूँ, 720p यहाँ पर। और आप लोगों को यहाँ पर ये 24:9 रखना है एंड एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप लोगों को अब क्या करना होगा मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ गाइस। तो वीडियो यहाँ पर सेव हो गया है, तो अब वीडियो भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन और एक काम यहाँ पर बाकी रह गया था, यहाँ पर बैक आता हूँ मैं। जो काम यहाँ पर बाकी रह गया है, तो आप लोगों को मोबाइल की मतलब जो डिस्प्ले होता है उस साइज़ में आप लोगों को वीडियो में करना है। तो आप लोगों को इस प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा फिर से एंड फिर से आप लोगों को 16:9 ले लेना है एंड आप लोगों को बैकग्राउंड में जाना है। और यहाँ पर आप लोगों को पहले एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड ब्लैक एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है ना। और इसको बड़ा कर देता हूँ 15 से 20 सेकंड तक, ठीक है, मतलब जितना बड़ा वीडियो होगा उसको। उसके बाद आप लोगों को लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है एंड जो अब भी एक्सपोर्ट किया हूँ वो वीडियो को आप लोगों को ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया हूँ एंड आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली कुछ इस तरीके से इधर घुमा देना है एंड इस वीडियो को जूम करना है गाइस। कुछ इस तरीके से जूम कर लेता हूँ एंड मैं अब यहाँ पर प्ले करके देखता हूँ। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अब हो गया है, देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर और एक इफ़ेक्ट मैं डाल देता हूँ ताकि और भी अच्छा लगे। इधर एक इफेक्ट डालूँगा, तो फिर से लेयर पर जाऊँगा। तो आप लोगों को जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा एंड जो यहाँ पर जो फ्लावर्स का
यहाँ पर मतलब जो ग्रीन स्किन है उसको ऐड कर लूँगा, और इसको भी कुछ इस तरीके से घुमा दूँगा इधर, एंड इसको भी जूम कर लूँगा कुछ इस तरीके से, एंड मैं क्रोमा की पर जाऊँगा एंड इसको इनेबल कर दूँगा गाइस, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, एंड ओके कर दूँगा। अब आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। आसमान में ले चलूं चांद को उसकी औकात दिखाने। तो कुछ इस टाइप से आप लोग वीडियो बना सकते हो। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैं गया था इसलिए। तो वीडियो बनाने के बाद यहाँ पर जो देख सकते हो, यहाँ पर इधर जो लेयर रह गया है, तो वीडियो के मुताबिक से आप लोग को इस लेयर को कट कर देना है, ठीक है। जो ज़्यादा हिस्सा रह गया है यहाँ पर उसको कट कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को कुछ इस तरीके से सेव शेयर के ऑप्शन पर यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है गाइस, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप लोग वीडियो को बना सकते हो, एंड आप लोगों को अपलोड कैसे करना है वो भी दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर जैसे देख सकते हो, ये वाला वीडियो मैं अभी मेक किया हूँ, तो इसको टैप करके रखूँगा एंड शेयर कर दूँगा, यहाँ पर शेयर करूँगा टिकटॉक के ऊपर। और आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस टिकटॉक के ऊपर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं अब भी बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जब कुछ इस तरीके से शेयर करोगे आप लोगों को उल्टा दिखेगा यहाँ पर, इसीलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर शेयर देख सकते हो कुछ इस टाइप का दिखाएगा, उल्टा दिखाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, ये वाला ऑप्शन, जैसे कि देख सकते हो ये वाला ऑप्शन। तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करके आप लोगों को कुछ इस टाइप से करना है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो गाइस आप लोगों को वीडियो में बस बताने के लिए और सिखाने के लिए इतना ही था। तो गाइस वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, मुझे पता है आप लोगों को पसंद आएगा ही आएगा, एंड अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर ही देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है यार, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इस वीडियो को कैसे बनाया जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल भी रखना।